समस्या क्या ऐसी, हम लोग जितने मेहनत किए हुए हैं ट्रक से अनलोड और ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड, न मापी और न चेकिंग, पता है माल कम है, बस डीलर के मत्थे ठेलो। वो जनता से जाने किशनगंज में सरकारी अनाज की सप्लाई का ये दिलचस्प खेल है जो सालों से चल रहा है। आप कोचाधामन ब्लॉक के अनाज गोदाम का हाल देख रहे हैं। अनाज नाप करके क्यों नहीं दे रहे हैं सर डीलरों को, बताइए। दरअसल ये करप्शन है जो दिन के उजाले में सरकारी कर्मी अंजाम दे रहे हैं, जिसकी भरपाई गरीबों के राशन की कटौती से की जाएगी। इस काम को डीलर अंजाम देंगे और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के कर्मी मजे मारेंगे। किस तरह से आप लोग को अनाज दिया जा रहा है वहाँ से? बोरा गिनती करके, वजन करके नहीं दिया जाता है ना। क्या बोलता है वहाँ से मैनेजर? बोलता है कि हम लोग जितने मेहनत किए हुए हैं, मैनेज किए हुए हैं, और मैनेज करने की बात करता है, इसे ले रहे हैं अनाज। बोरा गिनती करके ले रहे हैं, उससे आ रहा है। इससे दिक्कत नहीं हो रही आप लोग को? दिक्कत हो रही है ना, आप बोरा कम दे रहा है। हाँ, ऐसी जो बोले गाड़ी पर आता है। अच्छा, वैसे आजकल आम उपभोक्ताओं की जागरूकता ने डीलर की नींद हराम कर रखी है। राशन में किसी तरह की कटौती करने पर लोग मुद्दा बनाने लगते हैं। कई डीलरों को लाइसेंस रद्द होने के डर सता रहा है। कल तक जो लोग लूट को बढ़ावा दे रहे थे, वे मुखर होने लगे हैं। कोचा धामन में सिर्फ राशन की लूट नहीं हो रही है, यहाँ पर राशन कार्ड में भी बड़े पैमाने पर घपला है। प्रखंड क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका रिकॉर्ड तो बना हुआ है पर लाभ से महरूम है। इन लोगों का कार्ड आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है? जिसमें 160 लोगों का नाम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 160 व्यक्ति को न कार्ड मिला है, न उनको कुछ पता है कि हमारे नाम से कोई कार्ड सरकार ने दिया है। चूँकि आवेदन किए हुए 2 साल हो गए, इस बीच किसी को भी कार्ड के बारे में पता भी नहीं चला और मिला भी नहीं। और ये सूची को संयोजित ढंग से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से उनके कर्मी द्वारा इसको छुपाया गया, और सारे सरकार के जो इतने बड़े क्या कहते हैं सराहनीय वाला काम हुआ, जो फ्री चावल गेहूँ कम रेट में 2 रुपया 3 रुपया में गेहूँ और चावल देने का काम किया ताकि गरीब भूख से नहीं मरे, उसके मैंने प्लान को उस प्लान सरकार की नीतियों को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ये हमारे डीलर लोगों के द्वारा, ये देखिए ये गरीबों की सूची है, 160 लोगों का नाम है, किसी को पता नहीं कि मेरे नाम से कार्ड बना है, और सारा माल दावे के साथ कहता हूँ कि डीलर लोग हड़प कर गए। यही बात का रोना है ना कि सरकार चाह रही है कि हमारे गरीब भूखे नहीं मरे और कम पैसे में अनाज उठाए, फ्री अनाज उठाए। और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कलाकार लोग हमारे बीच हैं। तो इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत हम अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के कार्यालय से अभी आप देख रहे हैं, और जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ भी हम कर चुके हैं, और अब जा करके आपका अपना प्रखंड में भी उनकी प्रतिलिपि दूंगा। और इसकी प्रतिलिपि दी, मेरा मांग यही है कि स्थलीय जाँच हो, स्थलीय जाँच हो कि आखिर ये कार्ड बना तो ये कार्ड गया कहाँ, आखिर कार्ड तारीख तक कार्ड गया क्यों नहीं, और अगर कार्डधारी को अगर खदान उठा है तो उस तक खदान उठाए बगैर ये खदान गया कहाँ। जन वितरण प्रणाली का विक्रेता हूँ और मैं पूरे प्रखंड का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, तो मतलब हम गोदाम में गए थे कोचाधामन में, वहाँ पर कई डीलरों का मतलब शिकायत है कि उन लोगों को अनाज वहाँ से कम दिया जा रहा है। हाँ, कम तो दिया जा रहा है, बताइए उसके बारे में। 2 किलो 2.5 किलो 1 किलो प्रति बोरा कम होता है। अच्छा, इसकी जानकारी हम लोग जो है माननीय SDO साहब को भी दिए। हाँ, SDO साहब ने जो है फोन पर कहा कि आप लोग 10-20 बोरा का एवरेज बना लीजिए तब लीजिए, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, न कोई काटा है न कोई वजन तौल का जो है कोई उपाय है वहाँ पर। जब डीलरों को जो अनाज दिया जा रहा है वहाँ से कम दिया जा रहा है, तो फिर उसको आप लोग कैसे पूर्ति करते हैं? उसी पर पूर्ति करते हैं हम लोग, जैसे तैसे पूर्ति करते हैं, लेकिन वहाँ से अनाज कम मिल रहा है। हाँ, काम तो मिलेगा, इसका शिकायत आप बराबर करते हैं? हाँ, बराबर की है, लेकिन इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं है। क्या चाहते हैं कि क्या वहाँ धर्म कांटा हो? अच्छा। एडीएम का भी जो है दिक्कत है। हाँ, उनको भी जो है ये होना चाहिए
धर्मकांटा का व्यवस्था होना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। अभी जो है बारिश हो गई, एक गड्ढा पानी लग गया वहां पर, अब गाड़ी कैसे निकलेगा। सामने ईद है और कोरोना महामारी है, पब्लिक को जो है माल देना है, लेकिन बारिश हो गई, अब वहां से गाड़ी निकलना मुश्किल है। एजेंट को बोलते हैं मनमानी करता है, गोड़ा नाप के नहीं देता है, उन लोगों को बोलता कांटा खराब है, ये खराब है। अच्छा, तो कितना एक गोड़ा में कितना वजन लगता है? 40 किलो, 45 किलो, 47 किलो, उससे ज्यादा नहीं रहता है? आईएस होता है 48 किलो, 48 से ऐसा नहीं होता। आप लोगों को कितना क्या करके देता है? 50 किलो चावल, 51 किलो गेहूं, तो उसमें से मतलब कितना रहता है? वही 48 किलो लास्ट हाईएस्ट। तो इसका शिकायत आप बराबर करते हैं? करते हैं नाप करके नहीं लेते हैं? कांटा खराब है यहाँ पर। कहाँ कांटा खराब है? यहाँ गोडाउन में, और धर्म कांटा है नहीं यहाँ पर। अच्छा,